हेलो एंड वेलकम, यू वाचिंग सनराइज टीवी। आपकी प्रेजेंटर सरिता सबरवाल एक नए एपिसोड के साथ आपकी सेवा में हाजिर है। और इस वक्त मैं अपने घर में नहीं, अपने किचन में नहीं, अपने स्टूडियो में नहीं, बल्कि किसी के घर में हूँ। जी हाँ, एवरी एपिसोड में आप देखते हैं मुझे किसी न किसी के घर में होती हूँ और वो हमें सिखाते हैं चटपटे चीज़ें बनाना। और आप भी सीखना चाहते हैं तो इस प्रोग्राम को देखना कभी मत भूलिएगा। सैटरडे मॉर्निंग सुबह 10:30 पर ये प्रोग्राम आपकी सेवा में हम लेकर आते हैं। उसके बाद वेंसडे एंड फ्राइडे शाम को 6:30 ये प्रोग्राम रिपीट होता है। खैर, मैं सबसे पहले आपकी खैरियत के बारे में तो पूछ लूँ। खुश तो है ना? खैरियत से हैं और ज़िंदगी के हर पल का मज़ा ले रहे हैं, ये मैं आपसे हमेशा पूछती हूँ। और इन चटपटी चीज़ों का भी, रेसिपीज़ का भी मज़ा ले रहे हैं, ऐसा भी मैं हमेशा, मुझे इस बात का एहसास रहता है कि यस, आप भी इंजॉय करते हैं। क्योंकि जब कभी मैं कुछ सीखती हूँ तो आपको दिखाने से पहले मैं उसे ट्राई कर लेती हूँ। बहुत सी चीज़ें मैंने ऐसे ट्राई कर ली हैं। अब जिनकी घर में खड़ी हूँ, जिनकी रसोई में हूँ, उनसे भी पूछ लूँ कि आपने भी कुछ ट्राई किया या नहीं। ये हैं नैना शाह, जिन्होंने हमें अपनी किचन में बुलाया है। हाय नैना। हेलो, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। नो प्रॉब्लम। राइट, आप देखती हैं हमारे सनराइज के प्रोग्राम्स? यस, मैं हमेशा देखती हूँ वो आपका, आपके किचन में प्रोग्राम, एज वेल एज द ओल्ड हिंदी फिल्म्स, 70s की जो फिल्में हम दिखाते हैं। तो आपकी फेवरेट फिल्म कौन सी है जो हमने भी दिखाई है? कटी पतंग और कई सारे। सो राजेश खन्ना की राखी फिल्में आपको पसंद आती हैं? मेरी फेवरेट राजेश खन्ना की सारी फिल्में अच्छी। दो रास्ते हमने दिखाई, आन मिलो सजना दिखाई, एंड सफर, ऐसी बहुत सारी फिल्में हैं जो हमने, मेरी जीवन साथी, हाथी मेरे साथी, ये सब फिल्में आप सनराइज टीवी पर देख चुके हैं। खैर, आपके किचन प्रोग्राम में से आपने कुछ ट्राई किया? हमने वो शाही पनीर ट्राई किया। अच्छा बना था। मेरी बेटी को बहुत पसंद है पनीर, सो हमेशा पनीर की डिफरेंट रेसिपी आई ऑलवेज ट्राई फॉर हर, एंड शी रियली एंजॉयड दैट शाही पनीर। ओके, राजवीर ने सिखाया था शाही पनीर बनाना, तो अगर देख रही है राजवीर, थैंक यू वेरी मच। अच्छा, और आज आप हमें क्या सिखा रही हैं? आज मैं पहले आपको सिखा रही हूँ मसाला मोगो। ओके, ये नॉर्मली गुजराती लोग ज्यादा खाते हैं। हाँ, पर ये नहीं कि पंजाबी नहीं खाते, मैं भी बनाती हूँ। पर आज मैंने देखना है कि आप मसाला मोगो कैसे तैयार करते हैं। तो इसके लिए आपने मोगो लिए हैं? सबसे पहले मैंने मोगो लिया है। इज इट अ फ्रोजन वन? या फ्रोजन वन मैंने उसको थोड़ा 10-15 मिनट पानी में थोड़ा बॉइल करके, अच्छा इसे बॉइल कर लिया है, फिर उसको काट लिया है पीसेस करके। ओके, एंड पहले इसे डिफ्रॉस्ट किया, फिर आपने इसे बॉइल किया। राइट, ओके। एंड ये कितना, एक पैकेट है? 400 ग्राम? दिस इज 250 ग्राम्स। 250 ग्राम्स, राइट। इसके साथ साथ हमें और क्या चाहिए? इसके साथ साथ हमें 3 सॉस चाहिए है। फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज चिली सॉस, दिस इज चिली गार्लिक सॉस, ओके, एंड दिस इज टमाटो केचप। Right, tomato ketchup and chili and garlic sauce and chili sauce. Right, yes. Okay. And ye garlic? Fresh garlic. 1 or 2 cloves? 3 to 4 cloves. 3 to 4 cloves. Yes. Aapne achi tarah se unhe grate kar liya. This is a fresh coriander. Right. Yeah. Chopped spring onions. Spring onion. Yeah. I think 1 or 2 hi hai. Yeah. Two onions. Okay, or what is this? This is oil, 1 tablespoon. 1 tablespoon of oil. बस इतना ही ऑयल चाहिए, क्योंकि हम पहले मोगो डीप ऑयल में फ्राई कर लेंगे, फिर दैट्स व्हाई वी डोंट नीड टू मच एक्स्ट्रा ऑयल, एंड दैट इज पेपर, दिस इज ब्लैक पेपर, ओके, 1 tablespoon. सो आपने इसे बॉइल कर लिया, अब इसे हम फ्राई करेंगे। चलिए फ्राई करते हैं। डीप फ्राई करना है मोगो। सो अगर जो लोग इसे बॉइल अच्छी तरह कर लें और फ्राई नहीं करना चाहते तो ऐसे भी बना सकते हैं? हाँ, देन व्हाट यू कैन, आप ओवन में भी उसको कर सकते हैं, थोड़ा ऑयल लगा के खाली, रादर देन डीप फ्राई जी, ओवन में भी 10-15 मिनट अपने आप रखें ना, थोड़ा क्रिस्पी भी हो जाएंगे। राइट, इफ पीपल डोंट वांट डीप फ्राई। ओके, Mm-hmm.
समूह को फ्रेश भी मिल जाती है। हाँ, फ्रेश भी मिल जाती है शॉप से। और फ्रेश को भी इसी तरह से करना है, पहले बॉईल कर लेना हमेशा। हाँ, मोगो को बिकॉज इट्स वेरी हार्ड, सो यू नीड टू बॉईल इट विद अ लिटिल बिट ऑफ सॉल्ट। ओके, एंड थोड़ा सा ऑयल भी डाल के। अच्छा, ऑयल भी डालना है जरा सा। हाँ, तो क्योंकि मोगो है ना, एक दूसरे को चिपक जाते हैं ना। तो ठीक है, सो थोड़ा सा बीच में सॉल्ट डालकर और साथ में नमक ऑयल डाल। सॉल्ट एंड ऑयल, यस, ऑयल एंड के। इंग्लिश में इसको कसावा बोलते हैं। कसावा निकाल। सो अब पैन को आपने गरम कर लिया है, एंड सबसे पहले उसमें ऑयल डालेंगे। जस्ट वन टेबल स्पून बिकॉज मोगो ऑलरेडी फ्राइड है ना। एंड देन उसमें हम ये गार्लिक पिसा हुआ गार्लिक डालेंगे। इट्स 3 cloves। या इसे आपने अच्छी तरह से ग्राइंड किया लेंगे। ओके, थोड़ा सा बस ब्राउन हो गया हल्का सा। उसमें हम हरा धनिया डालेंगे। अच्छा, हरा धनिया पहले डाला। और उसके बाद हम सोया सॉस 1 spoon, 2 tablespoons as well, 2 tablespoons, then tomato ketchup 2 tablespoons again, tomato, yeah. Okay. उसके बाद ये गार्लिक एंड चिली सॉस गार्लिक एंड चिली सॉस एंड देन चिली सॉस। या 2 tablespoons ऑफ टमाटो केचप, 2 tablespoons ऑफ गार्लिक एंड चिली सॉस, एंड देन 2 tablespoons ऑफ चिली सॉस। बट अगर आप कम चिलीज खाते हैं तो देन यू कैन पुट लेस। दैट्स करेक्ट। खाली ये ब्लैक पेपर 1 teaspoon। ओके, बस ये तैयार हो गया, बस मसाला तैयार। तो उसमें हम ये मोगो मिक्स कर देंगे। एंड यू डोंट ऐड सॉल्ट इन? नो, बिकॉज़ सोया सॉस में भी है ना सॉल्ट आता है ना। और वैसे भी आजकल कह रहे हैं कि सॉल्ट हमारी करीज में बहुत ज्यादा होता है, इसलिए हमें वॉश करना चाहिए। ज्यादा सॉल्ट अच्छा नहीं है। दैट्स गुड कि बीच में आपने सॉल्ट नहीं डाला, और जब बॉइल किया था तब भी सॉल्ट डाला। ओके, सो ये तैयार है, इसे आप प्लेट में डाल देंगे। जल्दी से तैयार हो जाएगा। घर में अचानक भी कोई आ जाता है तो यू गोइंग टू गार्निश विद हरा धनिया, कोरिएंडर एंड सम स्प्रिंग अनियन। वाओ, रियली डिलीशियस, बहुत अच्छी लग रही है। जल्दी से आपको बता देती हूँ कि मसाले वाली मोगो बनाने के लिए आपको क्या चाहिए। 250 ग्राम्स आप मोगो लीजिएगा, फ्रोजन आपको सुपरमार्केट से आराम से मिल जाती है। उसे लाकर आपने बॉईल करना 10 से 15 मिनट तक। एंड जब बॉईल करें तो उसमें थोड़ा सा ऑयल डालिएगा, 1 to 2 teaspoon, एंड साथ ही सॉल्ट डाल दीजिए ताकि सॉल्ट से वो चिपकता नहीं है, और ऑयल भी डालें तो उससे चिपकता नहीं है। एनीवे, बॉईल करने के बाद उसे अच्छी तरह से ड्रेन कीजिएगा, एटलीस्ट फॉर 10 to 15 minutes अच्छी तरह ड्रेन कीजिए। एंड ड्रेन का सारा पानी जब निकल जाता है और मोगो थोड़ा ठंडा भी हो गया, देन उसे स्ट्रिप्स में आप लंबा लंबा काट सकते हैं। ठंडा होने के बाद आपने इसे डीप फ्राई करना है। जब डीप फ्राई कर लें, साथ जब डीप फ्राई हो रहे हैं उसी वक्त आप अपना मसाला तैयार कर सकते हैं। मसाले के लिए हमें क्या क्या चाहिए वो भी लीजिएगा। मसाले के लिए हमें थोड़ा सा ऑयल चाहिए, जस्ट 1 teaspoon इन्होंने ऑयल डाला है। उसके बाद आप 3 cloves गार्लिक आप अच्छी तरह से क्रश कर लीजिएगा, एंड उसे थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन कर लें। देन यू ऐड सोया सॉस, 2 tablespoons ऑफ सोया सॉस, एंड देन यू ऐड 3 sauces, एक तो टमाटो केचप है, एंड दूसरा चिली सॉस, एंड
तीसरी है चिली एंड गार्लिक सॉस। तीनों सॉस आप बीच में मिक्स कर दीजिए एंड हरा धनिया भी इसी स्टेज पर आपने साथ डालना है एंड पुट लिटिल बिट ऑफ पेपर, अपने टेस्ट के मुताबिक आप डाल सकते हैं, वैसे इन्होंने 1 teaspoon डाला है, दैट्स इट। एंड इसे इसमें अब आप जो फ्राई की है मोगो उसे मिक्स कर दीजिएगा। चटपटी सी मोगो तैयार है और गार्निश करने के लिए ऊपर हरा धनिया एंड साथ में है स्प्रिंग अनियंस। अब मैं ट्राई करने जा रही हूँ इसी प्लेट में से एंड चटपटा, रियली स्पाइसी। पर अगर आप स्पाइसी ज्यादा नहीं पसंद करते हैं तो टमाटो चिली सॉस जो है वो कम कर सकते हैं, उससे बदले में टमाटो केचप ज्यादा डाल सकते हैं, वेरी स्पाइसी। अब नेक्स्ट कैसे खाएंगे? नेक्स्ट हम आपको हरा भरा कबाब सिखाएंगे। हरा भरा कबाब सीखना चाहते हैं आप भी? तैयार रहिएगा, लेट्स हैव अ शॉर्ट ब्रेक।